हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बजाज की चेतक, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। और ये इसका बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 2.8 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। साथ में और क्या कुछ मिलता है वो आपको इस वीडियो में देखने को और जानने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट लुक देखते हैं। फ्रंट में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, फुल्ली एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि इसका क्लासिक लुक है, जो पहले चेतक आती थी उससे इसे कंटिन्यू किया गया है। फ्रंट में आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसमें चेतक लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एयर वेंट्स देखने को मिलेगा, ये कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही काम का ये एयर वेंट है, वो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ आपको फाइबर का मडगार्ड मिल जाता है, सिंगल साइड स्प्रिंग कॉइल्ड सस्पेंशन मिलेगा। दूसरी साइड पे आपको किसी भी तरह के सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलॉय व्हील दिखेगा। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है इस वाले वेरिएंट पे, जो कि 2.8 किलोवाट वाली बैटरी है, जो कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ इसी वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2.8 किलोवाट की बैटरी भी मिलती है। ये ग्राफिक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्लेन राइडर के लिए फुटरेस्ट है, ये बहुत ही बढ़िया है, चौड़े है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, आरामदायक होने वाले हैं। और साइड से देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है, कर्व है, इसे भी कंटिन्यू किया गया है अपने क्लासिक लुक के साथ, जो कि पहले गाड़ी आया करती थी इनकी, चेतक बजाज आया करती थी, वहीं से कंटिन्यू किया गया है। साथ में जो इनका की वाला वेरिएंट है, इसकी जो की डिज़ाइन है, वो भी आपको इसके इस हम्प की तरह देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीट की कुशनिंग आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, चाहे राइडर की हो चाहे प्लेन राइडर की हो। यहाँ पर आपको अलॉय मेड ग्रेब्रेल मिल जाता है। और टेल सेक्शन में भी देखेंगे तो इसे भी क्लासिक रखा गया है। इसमें आपको दो टेल लाइट मिलेगी, साथ में इंडिकेटर मिलेगा। आपने यूजुअली देखा होगा कोई बाइक हो, स्कूटर हो, यहाँ पे एक ब्रेक लाइट होती है और इंडिकेटर अलग से होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें जैसे पहले आया करती थी, दो टेल लाइट और इंडिकेटर होते थे, सेम ऐसा यहाँ पर भी कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे भी आपको चेतक का स्टिकर देखने को मिलेगा। ये स्टिकर है, 3D में नहीं है, क्रोम फिनिश के साथ स्टिकर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टिकर बाय द टाइम फेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर और एक लाइट मिलती है, जो कि LED होगी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। साइड में भी रिफ्लेक्टर है, जो कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये एयर वेंट जो सामने की तरफ मैंने दिखाया था, पीछे की तरफ भी है। और ये क्यों है मैं वो बता देता हूँ। ये जो एयर वेंट है, यहाँ से हवा लेता है और ऑल द वे यहाँ फुटबोर्ड से होता हुआ इसके बैटरी पैक तक आता है, और बैटरी पैक को ठंडा करते हुए पीछे की तरफ से निकल जाता है। इससे क्या होता है, बैटरी का टेम्परेचर मैनेज रहता है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे ग्लव कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, वो भी दोनों ही साइड पे, क्योंकि ये की वाला वेरियंट है। यहाँ पर आपको की पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर ये रिमोट वाला वेरियंट होता तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलते हैं। इसके ब्रेक लीवर्स बहुत ही डिसेंट है, और यहाँ पे आपको नकल प्रोटेक्शन के लिए मिल जाता है, लेकिन जो इसकी स्विचेस है ना, पियानो फिनिश में काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही हैं। इसका जो रियर व्यू मिरर है, इसका जो आप लीवर देख रहे हो, ये भी एलॉय का बना हुआ है, जो कि एक प्रीमियम लुक और रोड प्रेजेंस देता है इस व्हीकल को। साथ में इसका डैशबोर्ड भी आपको पियानो बॉडी कलर में या पियानो फिनिश में देखने को मिलेगा। पियानो फिनिश चाहे ब्लैक हो, अगर गाड़ी जिस कलर की होगी, ये डैशबोर्ड भी आपको सेम उसी कलर का देखने को मिलेगा। स्विचेस आपको पियानो फिनिश के साथ ही मिलेंगे ब्लैक कलर में। अब इसका इग्निशन सीक्वेंस दिखा देता हूँ, तो उसके लिए चाबी लेते हैं, लगाते हैं और रोटेट करते हैं, तो कुछ इस तरह का इग्निशन सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ब्राइटनेस थोड़ी लो है, ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है, फिर भी विजुअलिटी थोड़ी कम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिल जाएगी, बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी, कितनी बैटरी पे आप कितनी स्पीड रेंज कवर कर सकते हो वो देख सकते हो, स्पीड देख सकते हो, साथ में ऊपर की तरफ टाइम देख सकते हो। इसके ऊपर भी आपको चेतक का जो सी है, इसका आइकॉनिक लोगो है, वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चाबी के फीचर्स बताऊँ तो, अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो आपको इसे ऑफ करके हल्का सा अंदर की तरफ पुश करके क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो ये सीट जो है तो ओपन हो जाएगी। और ये सीट की खासियत बता दूं आपको, दूसरी किसी स्कूटर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ये सॉफ्ट छोड़ने पे भी ड्रॉप नहीं होती है। अगर आपको बंद करना है तो हल्का सा पुश करेंगे, तो पुश करने के बाद ये सॉफ्टली नीचे आने वाली है। ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या होता है, कई बार आप सामान निकाल रहे होते हो तो ये आपके सर में लगता है, हाथों में लगता है, तो ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाती है डेली लाइफ में। आप इसका बूट स्पेस देखेंगे तो आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही सामान कैरी कर सकते हो, क्योंकि सामने की तरफ जो है तो यहाँ ज़्यादा गहराई नहीं है, तो आप एक हाफ फेस हेलमेट
रख सकते हो या तो इसका चार्जर ही कैरी कर सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे रख पाओगे। यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग पॉइंट को लगा के इसके बूट सीट को बंद कर सकते हो, जिससे आपका चार्जर भी लॉक हो जाएगा और आपकी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी। दूसरे कोई और फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बूट लाइट वगैरह इसमें नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर बूट लाइट होती तो थोड़ा और क्रिटिकल हो जाती डेली लाइफ के लिए ये स्कूटर। इसे बंद करने के लिए आपको सिंपली इसे प्रेस करना है और ये इजिली बंद हो जाती है। और मैं इस साइड से दिखाना चाहूँगा, ये क्लासिक लुक को देने के लिए सीट का जो टेल सेक्शन है इसे भी बाहर की तरफ निकाला गया है। ग्रेप रेल भी काफ़ी क्रिटिकल है, पकड़ना आसान है। तो इसकी व्हील साइज़ के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको फ्रंट और रियर में 12 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं और आपको टायर प्रोफाइल 90x90 के मिल जाते हैं। जो मोटर की पावर का आउटपुट है वो 4 किलोवाट का होने वाला है इस वाले वेरिएंट में। और राइडिंग रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है 123 किलोमीटर का है। अगर ट्रू रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज आपको एक बार फुल चार्ज करने पे बड़े आराम से मिल जाएगी। इसकी जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है विदाउट टैक पैक वो है 63 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड रहेगी। और जब तक आप टैक पैक नहीं डलवाते हो तब तक आपको सिर्फ एक ही राइडिंग मोड मिलेगा जो कि इको होगा। और अगर आपको स्पोर्ट्स मोड चाहिए तो उसके लिए आपको टैक पैक चाहिए होगा और टैक पैक आपके लिए आपको जो है तो 3000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा और जो कि लाइफ टाइम होगा। चार्जिंग टाइम इसको 6 घंटे लगते हैं 0 से 100% होने में। और अगर आप इसे 80% चार्ज करना चाहते हो तो आप 4 घंटे में इसे 80% चार्ज कर सकते हो 0 से। मोटर की बात करें तो इसमें आपको PMS BLDC मोटर मिल जाती है। PMS मोटर होती क्या है कि एक हब मोटर होती है, जो कि मोटर ही अपने आप में एक व्हील होता है, लेकिन इसमें व्हील और दूसरी जो होती है एक होती है कि एक मोटर है जो कि इसके सेंटर में रखी होती है। बेल्ट के द्वारा टायर को व्हील को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें एक तीसरी तरह की बैटरी लगी हुई है जो कि व्हील से कनेक्टेड है, लेकिन व्हील जो है तो वो अपने आप में मोटर नहीं है, इसमें व्हील कनेक्टेड है मोटर से जो इसके साइड में लगी हुई है कुछ इस तरह की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें एक बैटरी पैक है जो कि 2.8 किलोवाट की होने वाली है। चार्जिंग आउटपुट की बात करें तो 650 वाट का चार्जिंग आउटपुट मिल जाता है इसके चार्जिंग से, जो कि आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। फ्रंट में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि स्प्रिंग कॉइल्ड होने वाला है। रियर में भी आपको मोनोशॉक ही सस्पेंशन मिलेगा। जो फ्रंट में यूजुअली क्या होता है, फ्रंट व्हील में हमेशा 2 सस्पेंशन होते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंगल साइडेड लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलेगा। लीडिंग लिंक आपने पुरानी एक्टिवा देखी होगी तो कुछ उस टाइप का सस्पेंशन आपको इसमें मिलेगा फ्रंट में। फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ये गाड़ी आपको 99,985 रुपये की पड़ने वाली है एक्स शोरूम। वेल, मोटर की वारंटी आपको 7 साल की मिल जाती है और बैटरी के लिए आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर। 50,000 किलोमीटर चलाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई IC इंजन भी जो टू व्हीलर होती है उसे भी नहीं चला पाता है, यूजुअली आदमी तो नहीं चला पाता है। और EV को चलाना तो मुश्किल होगा क्योंकि EV को आप सिटी यूज़ में करोगे, दिन में कितना चलाओगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आप नहीं चला पाओगे EV को, क्योंकि आप इसे कभी शहर के बाहर लेके जा ही नहीं सकते। इसमें आपको हील होल्ड असिस्ट भी मिलेगा, रिवर्स मोड भी मिलेगा, लेकिन वो सब आपको टेक पैक में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेक पैक लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।